एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम सो सॉरी गाइस कि मैं इतने दिनों से कोई भी ब्लॉग नहीं डाल पाई। एक्चुअली मैं किसी चीज़ की तैयारी करने में लगी हुई थी और जो मैं आज आप लोगों के साथ में ये गुड न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ, इसकी ओपनिंग बहुत पहले ही हो गई थी। बट आई एम सो सॉरी मैं आप लोगों के साथ में ये क्लिप्स नहीं शेयर कर पाई, बट आज मुझे फाइनली ये टाइम मिल गया है कि मैं आप लोगों के साथ में ये क्लिप्स शेयर करूँ। तो जिस गुड न्यूज़ के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही थी, वो गुड न्यूज़ क्या है, चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो तैयारी हो रही है वो हो रही है कानपुर में एकेडमी ओपन होने की। तो कानपुर में हम लोग ओपन करने वाले हैं एक्टिंग, डांसिंग और मॉडलिंग की एकेडमी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। ये गुड न्यूज़ थी, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी। और ये एकेडमी खोलने का आइडिया मुझे क्यों आया और इसके पीछे क्या रीज़न है, ये सब आपको आराम से बताऊंगी। और ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, एक बहुत सही एकेडमी में रखने के लिए मैंने मंगवाया था। इसमें मैं अपने सारे मोमेंटो जो हैं वो रखने वाली हूँ जो मुझे अब तक मिले हैं। तो अभी एकेडमी मैं घर से ही स्टार्ट करने वाली हूँ और अभी फ़िलहाल शिवांशी को भी देखना क्योंकि ज़रूरी है। कहीं और मैं ओपन करूँगी तो मैं शिवांशी को उतना टाइम नहीं दे पाऊँगी। तो हमने जो थर्ड फ्लोर पे हमने जो गेस्ट रूम और एक टेरेस गार्डन बनाया था उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है और एकेडमी में बदल दिया है। तो ये नया स्पीकर हम लोग लेकर के आए हैं और घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ आती है तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर उसको हम लोग यूज़ करना शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एकेडमी में आया है। तो मैं चाहती थी कि मम्मी ही पूजा करे। मुझे अच्छा लगता है कि इस तरीके की चीज़ें या इसमें बड़ों का आशीर्वाद से अगर शुरू होना तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारी शिवांशी भी अपनी साइकिल लेकर के एकेडमी के अंदर आ गई है। उसे बहुत अच्छा लगता है एकेडमी के अंदर आ करके। आई थिंक उसे म्यूज़िक सुनते सुनते साइकिलिंग करना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पूजा फिनिश हो चुकी है। आप लोग सोच रहे होंगे पूजा के बाद में ही फूल क्यों चढ़ा रहे हैं। दरअसल मम्मी को बाहर गार्डन में ये सुंदर सा फूल दिख गया था, उन्होंने कहा कि ये फूल हम स्पीकर पर चढ़ाएंगे। पेड़ा शिवांशी, ओ उसे पटक दिया शिवांशी तुमने, तो गिर गई वो, तो गिर गई। बैठा लिया फिर से शिवांशी, उसका हाथ भी तोड़ दिया है। अय्या वेल, एकेडमी का काम तो कंप्लीट हो गया है जितना टेम्परेरी अभी हमें करवाना था। और आज तो पूरा दिन हम लोग इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों ने पूजा रखी थी घर पे। मेरा मानना ये है किसी भी नए काम की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से की जाए तो वो काम बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी एकेडमी का काम आप देख रहे हैं कि कंप्लीट हो चुका है और बस थोड़ी देर में हम लोग पूजा की तैयारियां भी शुरू कर देंगे। मैं एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग यहां पर वर्कआउट करने आती हूं और क्योंकि जगह काफ़ी बड़ी है तो मुझे काफ़ी स्पेस मिल जाता है। और पंडित जी आ चुके हैं और उन्होंने पूजा की तैयारियां करना शुरू कर दिया है। तो जब तक पूजा की तैयारी शुरू हो रही है मैं ज़रा शिवांशी को देख के आती हूँ कि आखिर शिवांशी क्या कर रही है, क्योंकि जब पंडित जी आए थे उनके आने से पहले शिवांशी सो गई थी। तो अभी शिवांशी को भी देखना पड़ेगा कि आखिर शिवांशी उठी है कि नहीं, क्योंकि उसे भी अभी रेडी करके ऊपर लेकर आना है। और ये रही मैं पूजा के लिए कुछ इस तरह से रेडी हुई थी। तो जब मैंने शिवांशी को देखा जाकर के नीचे तो वो सो रही थी, मैंने सोचा उसे डिस्टर्ब नहीं करती हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पंडित जी की हेल्प कर दूँ। आप देख रहे हैं ना पंडित जी के हाथ में वीगो लगा हुआ है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बट हमारे यहाँ पर कभी भी पूजा होती है हमेशा वही करवाते हैं, वो मना नहीं करते हमारे यहाँ की पूजा के लिए। मुझे नहीं पता था कि उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, अगर मुझे पता होता तो मैं शायद पूजा किसी और दिन रख लेती।
तो पूजा की ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी हैं और शिवान जी भी उठ गई थी, तो मैं उसे नीचे जाकर रेडी करके लेके आ गई हूँ ताकि वो हम लोगों के साथ में भी पूजा में बैठ जाए। तो हमारी शिवांशी मैडम ने तो ऊपर आते ही सब चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले मैं एक बार ही देख करूँ सारी तैयारियाँ अच्छे से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं और सब लोग भी आ चुके हैं और पूजा भी यहाँ शुरू हो चुकी है। वैसे मैं चाहती थी कि मम्मी डैडी लोग यहाँ पूजा में बैठे, क्योंकि मैं चाहती थी कि उनके आशीर्वाद से एकेडमी की ओपनिंग हो, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ओपन कर रही हो एकेडमी तो तुम्हारा यहाँ पे बैठना ज़्यादा ज़रूरी है, आई मीन यजमान बनना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंकल ने कई बार हमें कथा सुनाई है, तो वो जो भी क्वेश्चन पूछते थे ना वो मुझे याद हो गए, तो यहाँ पे वही मेरी तारीफ कर रहे थे वो कि मैंने जितनी भी बार कथा सुनाई है तुम्हें वो सब चीज़ें लगता है याद हो गई है, अब मैं क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दूंगा। तो अंदर तो पूजा चल रही थी और बाहर देखिए हमारे शिवांशी क्या बदमाशियां करने में लगी हुई थी। तो अंदर जब तक पूजा चल रही थी शिवांशी यहाँ पर बाहर खेलने में लगी हुई थी और काफ़ी टाइम भी हो गया था। दरअसल पूजा भी स्टार्ट हुई थी 4 या 5 बजे से आए थे, मगर ये अच्छी बात थी कि शिवांशी को उसके साथ में खेलने के लिए उसका एक छोटा भाई मिल गया था। ओम वाक देवता भो स्वाहा, ओम स्थान देवता भो स्वाहा,
ओम अयोध्यो स्वाहा ओम त्रयम समयामहे त्रयम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वर्धनाय मत्स्यवर्धनम स्वाहा। तुमने तो बंदित तुमने लाए तुमने तो भक्ति अपार उसे पान जाली अरे पान चारू देव चारू तो ये काट के छोड़ देंगे। बोलो गाय भगवान की जय। बोलो गौरी मैया की जय। कृष्ण के देवताओं की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो आदि के आनंद की जय। बोलो आनंद निकालने भगवान की जय। तो कुछ इस तरह से पूजा संपन्न हुई और पूजा के बाद में सबको प्रसाद दिया गया। फिलहाल अभी कुछ ये व्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा है और ये एकेडमी खोलने का क्या रीज़न है ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ में नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहीं तक था आज का हमारे व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।